अगली खबर है बलरामपुर से। शौच के लिए घर से निकली माँ बेटी की तालाब में डूबने से हुई मृत्यु। स्थानीय थाना क्षेत्र सहरा बाजार में ग्राम पंचायत अचलपुर रूप में तालाब में डूबने से 27 वर्षीय महिला नाजमा खातून व 6 वर्ष की बच्ची साबिरा खातून की मौत हो गई। जानकारी किए जाने पर परिजनों द्वारा बताया गया कि रात्रि करीब 12 बजे के आसपास मृतका नाजमा खातून शौच के लिए अपनी 6 वर्षीय पुत्री साबिरा खातून को लेकर घर से निकली थी। काफ़ी देर बीत जाने के बाद जब माँ बेटी वापस नहीं आई तो उनकी खोजबीन चालू करी। खोजबीन के दौरान सुबह घर के बगल के तालाब में उनकी लाश तैरती हुई पाई गई। क्या नाम पड़ेगा आपका? मोहम्मद रईस। हाँ, ये जो घटना है इसके बारे में बताएं, कैसे हुआ, क्या है? सर, आपके 12 बजे के लगभग संडास कराई बेटी वाले हैं, तो लगभग वहीं कहीं तालाब में यहाँ ही कहूँ संडास कराई तो कहूँ फिसल गई बेटी वाला, तो इसी घटना था। जानकारी कैसे मिली आप लोग को? हमको सुबह में जानकारी मिली सर, ना भैया सुबेरे जानकारी मिली, रात भर बहुत ढूंढा गया नहीं जाने का, ना ही कहूँ मिली हेरे, बहुत कुल वट देखा गया तो नहीं देखे, सुबेरे देखें तो वो उतरान पर ही रहे। आपने इसकी सूचना थाने पर दी है? तो गए भाई लोग, सूचना दी थाने पर गए भाई।